Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to perform the fourth practical of network administration, that is about TCP/IP configuration. TCP/IP configuration kya hai? Humne second year mein TCP/IP padha tha. IP kehte hain internet protocol ko. Jaise hamare muashre mein हर घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है जिस पर खत डिलीवर होता है, जिस पर डाकिया खत देकर जाता है. ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी कंप्यूटर के एड्रेस होता है, कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिस पर डाटा डिलीवर होता है, चाहे वो इंटरनेट से आ रहा हो चाहे वो नेटवर्क से आ रहा हो. तो उस एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं. और इसका दूसरा नाम लॉजिकल एड्रेस. कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस भी होता है जिसका दूसरा नाम मैक एड्रेस है. अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लॉजिकल एड्रेस है, यानी आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस हमने इसकी डिटेल जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ी थी. आईपी की क्लासेस होती हैं, फाइव क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ए. ए की रेंज ये है 0 से 126 तक, बी की रेंज है 128 से 191 तक, सी की रेंज है 192 से 223 तक और डी की रेंज है 224 से लेकर 239 तक और ई की रेंज है 240 से लेकर 254 तक. ये फाइव क्लासेस हैं, लेकिन इसमें से पहली तीन क्लासें ए बी और सी हम नेटवर्क्स में यूज करते हैं. ये डी और ई ये पब्लिक नेटवर्क्स यानी आर्मी और स्टेट के अपने सरकारी नंबरों के लिए, अपने नेटवर्क्स के लिए ये दो पब्लिक क्लासेस हैं, इनको हम प्राइवेटली यूज नहीं कर सकते. ए बी और सी हम नॉर्मली नेटवर्क्स में यूज करते हैं. ये भी पूरी पूरी क्लासेस हम यूज नहीं करते, बल्कि इसमें से कुछ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं जो हमें अलाउ होते हैं यूज करने, हम वो वाले यूज करते हैं. तो आईपी एड्रेस हमने वैसे तो सेकेंड ईयर में पढ़ा कि इसके दो वर्जन होते हैं, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है. IPv4 अभी तक यूज हो रहा है दुनिया में, गो के IPv6 इसका नया वर्जन है जो आ चुका है, लेकिन IPv6 जो है वो बहुत ज्यादा अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया, दुनिया उसको इस्तेमाल नहीं कर रही. IPv4 के नॉर्मली चार खाने होते हैं, हर खाने में 0 से लेकर 255 तक हम वैल्यू दे सकते हैं और ये 0 से 255 तक जो भी वैल्यू हम देंगे वो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस बनेगा. तो प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होते हैं जो हमें फ्री होते हैं, जो हम अपने नेटवर्क में प्राइवेटली अपने कंप्यूटर्स को अलॉट कर सकते हैं? वो ए जो प्राइवेट एड्रेस है वो 10.0.0.0 है. ये जीरो का मतलब ये है कि अप टू 255 तक हम इनको ले जा सकते हैं. और बी का जो प्राइवेट एड्रेस है 172.16.0.0 अप टू 172.31.255.255 और सी का जो एड्रेस है 192.168.0.0 है. इन प्राइवेट एड्रेसेस को हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं. जब भी हम कोई प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं तो हम यही एड्रेसेस यूज करते हैं. इसके अलावा सारे पब्लिक एड्रेसेस हैं. पब्लिक एड्रेस अगर हम यूज करना चाहें तो उसके लिए बाकायदा वो एड्रेस बाकायदा अलॉट करवाना पड़ता है और उस एड्रेस की पेमेंट करनी पड़ती है पर मंथ. तो हम चूंकि लोकली अपने जितने नेटवर्क बनाते हैं उसमें कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए हम नॉर्मली ये फ्री एड्रेसेस यूज करते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क्स में. तो दीज आर द प्राइवेट एड्रेसेस वी यूज नॉर्मली. आपने देखा होगा 192.168.0.0 या इन जीरो की जगह कोई दूसरी वैल्यू आती है
और यही ज्यादातर हम नेटवर्क एड्रेस इसलिए यूज करते हैं, आईपी एड्रेस इसलिए यूज करते हैं कि ये फ्री है, फ्री टू यूज है। तो हम ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर को किस जगह अलाट करते हैं, तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक तो कमांड से भी हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, और एक जो है हम सिस्टम ट्रे यानी टाइम जहां पे लिखा होता है और जहां पे डेट लिखी होती है उसके साथ ही नेटवर्क का आइकन बना होता है, उस पर राइट क्लिक करके भी आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। और तीसरी जगह कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का आइकन होता है, वहां से भी आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। इसके अलावा सर्वर मैनेजर में, जो कि विंडोज सर्वर 2012 में एक जगह बकायदा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर दिया हुआ होता है, आईपी एड्रेस दिया होता है, वहां से भी हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेज हैं आईपी एड्रेस देने के। तो हम अभी प्रैक्टिकली आईपी एड्रेस अलॉट करते हैं कंप्यूटर को, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन होना होगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर पर और देखते हैं कि हम आईपी एड्रेस कैसे अलॉट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पहले ही से एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ था। विंडोज प्लस आर की प्रेस करेंगे जिससे रन की विंडो ओपन होगी, और उसमें फिर हम लिखेंगे वो कमांड ncpa.cpl जिससे नेटवर्क शेयरिंग की, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से भी हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। दूसरा, ये नेटवर्क के आइकन पर राइट क्लिक करके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खोला और चेंज अडाप्टर सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे इथरनेट पे राइट क्लिक किया, इसके प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे टीसीपी आईपीवी 4 और यहाँ पे मैनुअल आईपी एड्रेस देने के लिए क्लिक किया, 192.168.0.1 या 2 दे सकते हैं। और इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे और सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा और हम ओके कर देंगे। ये हमने आईपी एड्रेसेस का कॉन्फ़िगर कर दिया। और ये दो तरीके हैं, इसके अलावा कंट्रोल पैनल से भी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खोलकर आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। सर्वर कंप्यूटर में सर्वर मैनेजर खोलकर, इसमें लोकल सर्वर आ रहा होता है राइट लेफ्ट साइड पे, और इसमें लोकल सेंटर सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ होता है। आईपी एड्रेस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से भी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ओपन हो जाता है, और यहाँ से भी हम ईथरनेट पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो ये तीन चार तरीके हैं जिनसे आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।